ये भाई हम चेकआउट करके पहुंच गए हैं कालका। कालका रेलवे स्टेशन पे हमने पार्किंग कर दी है। एक्चुअली वहाँ पे वैसे तो ऑथराइज पार्किंग नहीं है, लेकिन हमने रेलवे पुलिस की पार्किंग में लगा दी है। और अब अपन पकड़ रहे हैं टॉय ट्रेन, और टॉय ट्रेन से हम जाएंगे कंटा घाट उतरेंगे। हम शिमला तक नहीं जाएंगे, हम कंटा घाट उतरेंगे क्लब महिंद्रा। और अब आपको दिखाते हैं टॉय ट्रेन। ये प्लेटफॉर्म है भाई अलग से, टॉय ट्रेन के दो प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हमारी ट्रेन है, और हमारा सेकंड लास्ट डब्बा ही है EV6। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 15 या 16 लोगों की है एक डब्बे में। ये है कालका शिमला स्पेशल। तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे भाई आगे, जब बढ़िया सीनरीज आएंगी। और ये परी इधर देख, मैगी खाना है। और अपने व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। चलो मिलते हैं फिर। ये भाई टॉय ट्रेन है, इसमें टोटल 7 बोगीज हैं और आगे इंजन है। छोटे से डब्बे हैं, सिर्फ चेयर कार है, बैठने की फैसिलिटी है। और साथ, हाँ सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं क्या टॉय ट्रेन से? फर्स्ट टाइम। ऐसे लग रहा है कि यार हाँ आगे जाके ना बर्फ ही बर्फ मिलनी है, तो पूरा एंजॉय करेंगे। हम भी इसी आशा में कि बर्फ मिले और बहुत अच्छे व्यूज मिले हमें, सीन भी बहुत अच्छे मिले। बिल्कुल मिले। चलो ओके बाय। ये है भाई पूरी टॉय ट्रेन। ये फिनिश हो गई, लास्ट में इंजन है, मतलब स्टार्टिंग में इंजन है, और टोटल मिला के 7 बोगी। चलो अभी टाइम हो गया निकलने का, अब रास्ते में आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया व्यूज सीनरी। ये रहा काल का भाई, ये तो भाई इसका इंजन हवा ले गया अंकल। अंकल जी बैठ जाओ। ये देखो मून रूफ। ये भाई टॉय ट्रेन चल पड़ी है, स्पीड होगी इस टाइम लगभग कोई 10 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। और आगे आप व्यू देखो, पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, मौसम ठंडा है शानदार। और बंसल जी बाहर, ये और डीजल इंजन है इसका, धुआं देता हुआ चल रहा है, शानदार नज़ारा। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा। खैर ट्रेन से जाने का अपना अलग ही मज़ा है, गाड़ी से तो पहाड़ों पे बहुत बार गए हैं, लेकिन ट्रेन से फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई। कालका के बाद पहला स्टेशन आया है, लेकिन ये नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है टकसाल, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है खैर टकसाल। हाँ ये आगे पहाड़ियों का व्यू। ये है भाई चढ़ाई पे ट्रेन की स्पीड, गर्मी के बाद जितनी तेज अपन पैदल दौड़ते हैं लगभग वो स्पीड है इस टाइम इसके। ये
ये हमारे पीछे का व्यू है भाई, सेकंड लास्ट डब्बा है हमारा, और ये ट्रेन की आवाज़ घुमाव आता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। निकल गए हैं भाई, ये देखिए पीछे पूरी खाई और ये हाईवे पीछे। मेरी कोशिश है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पूरा एंजॉयमेंट मिले और उन्हें ये फील आए कि वो खुद इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। में बहुत ठंडक है, ये देखिए हाईवे। आया भाई अगला स्टेशन कोटी, कोटी का स्टेशन, सारे स्टेशन नॉन स्टॉपिंग है और ये अब टनल आ गई है, सेकंड लॉन्गेस्ट टनल ऑफ कालका शिमला रेल सेक्शन। बहुत ही लंबी टनल थी, क्रॉस करने में लगभग अपने को लगे 4 से 5 मिनट, और ये बिल्कुल साथ में हाईवे चल रहा है अपने। सामने पहाड़ियों का अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर लग रही है, धूप निकल गई है पूरी तरह से। ग्रीनरी है चारों तरफ, हरियाली, बारिश हुई है कल परसों यहाँ पे खूब जबरदस्त। ये नीचे पूरा चीड़ का जंगल है, पाइन वुड्स। ट्रेन चल रही है भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्टेशन आया है सोनवारा, सोनवारा का स्टेशन, स्टेशन मास्टर। अभी तक सारे स्टेशन नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है जहाँ ट्रेन रुकती नहीं है। सामने ऊपर आप देख रहे हैं वो कोई स्टेडियम है, स्टेडियम की तरह लाइट्स लगे हुए हैं, बास्केटबॉल का कोर्ट नज़र आ रहा है, वो कोई स्कूल है या स्टेडियम है आई डोंट नो। और इधर घना जंगल, घना जंगल, ये भाई नीचे वाला ट्रैक जिससे आए हैं, अच्छी स्टीप चढ़ाई है ट्रेन के हिसाब से। पासिंग है या कोई और रीज़न है इसलिए ट्रेन रुकी है। पहाड़ों के ऊपर रेलवे ट्रैक्स, धर्मपुर स्टेशन है।
टेम्परेचर हो रहा है भाई 2 डिग्री यहाँ पे, 2 डिग्री टेम्परेचर और ठंड जबरदस्त ठंड, हाथ जम गए एकदम। हाँ बंसल जी क्या रिपोर्ट लाए? वो ठंड हो रही भाई जबरदस्त। ये देखिए बर्फ गिरी बहुत कम है लेकिन बर्फ ही बर्फ है। पूरा ट्रैक के आसपास बर्फ की सफेद चादर है, रिसेंट ही गिरी है बर्फ कल या परसों में। ये नीचे बर्फ ही बर्फ है, अगर हम एक दिन पहले आए होते तो हमारे को शायद स्नोफॉल मिलता। और ट्रैक के ऊपर भी बर्फ गिरी हुई है पूरी। इधर देखो धुंध ही धुंध है, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम। ये देखो बहुत पतली सी मिस्ट है लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। इन्हीं नज़ारों की वजह से टॉय ट्रेन में आए हैं गाड़ी को पार्क करके हम लोग। ये नज़ारे शायद हाईवे पे नहीं मिलते हमें जो टॉय ट्रेन पे मिल रहे हैं। और टेम्परेचर इस टाइम लगभग 1 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। ये सामने देखें क्या नज़ारा है, धूप में और बर्फ गिर रही है और पूरा फॉग है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सामने का। क्या नज़ारा है भाई अल्टीमेट। ये मज़ा शायद हाईवे पे नहीं आता अपने को जो इस टॉय ट्रेन में आ रहा है। वाह, गोप्रो की जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही दिखा पा रहा है, DSLR होता है इस टाइम तो अल्टीमेट। ये भाई स्टेशन आ गया है बड़ोग का, बड़ोग, और ये स्टॉपिंग स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन रुकती है और बर्फ ही बर्फ है। नीचे उतर के नीचे का नज़ारा देखते हैं। ये है भाई यहाँ का नज़ारा और ये रेलवे के जो ऑफिस हैं उसमें ऊपर पूरा बर्फ गिरी हुई है, स्लिपरी भी हो सकता है। ये भाई पूरे ट्रैक्स के ऊपर बर्फ गिरी हुई है, स्नोमैन बना रखा है। वाह, ये सीन पहली बार देखा भाई। ये भाई पहुंच गए हैं सोलन स्टेशन। अब यहाँ पर ट्रेन रुक तो गई है, क्यों रुकी है पता नहीं, अभी तक पास तो किसी भी ट्रेन को दिया नहीं है लेकिन फिर भी रुक रही है बार बार। और ये सामने का पहाड़ अगर आप देख रहे हो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ताज़ा स्नोफॉल है, एकदम ताज़ा स्नोफॉल। ट्रैक्स के ऊपर आप देखो बिल्कुल ताज़ा स्नोफॉल है। अगला स्टेशन हमारा कंडा घाट का ही है, रुकते रुकाते धीरे धीरे टुल्लक टुल्लक टॉय ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे को और अगले आधे घंटे में वहाँ पहुँचा देगी। सलोगरा से निकल गए भाई, ट्रेन यहाँ रुकी कम से कम आधा पौना घंटा और ये सर्विस मैंने पहली बार देखी है।
कि पहले एक लड़के की वजह से रुकी हुई थी और अब एक लड़की आगे काफ़ी आगे निकल गई थी और वो आगे से आई है तो उसके लिए ट्रेन को रोका है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सर ये सर्विस तो इसी ट्रेन में देखी है, अच्छी सर्विस है। बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत बढ़िया। एक भी सवारी को छोड़ के नहीं जाते, छुड़वा देना मुझे। तो ये भाई कंडा घाट, यहाँ उतर गए हैं हम लोग स्टेशन पे और यहाँ से अब नीचे उतर के टैक्सी पकड़ेंगे क्लब महिंद्रा जाने के लिए। क्लब महिंद्रा पहुँच के फिर करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। चलो जी, हम लोग पहुँच गए हैं भाई क्लब महिंद्रा कंडा घाट में। अच्छा खासा रश है, आप गाड़ियों की भीड़ अगर यहाँ देखें तो खूब गाड़ियाँ आई हुई हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली नंबर, फुल रश है। ये यहाँ इसका आउटर व्यू है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और अभी देखते हैं रूम में ले जाएंगे आपको, रूम कैसे हैं, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं यहाँ पे वो अपडेट करते हैं। चलो मिलते हैं फिर रूम में। हाँ भैया बता, प्रॉपर्टी टूर रहता है। हाँ तो आप रिसेप्शन आओगे तो पूरी प्रॉपर्टी। नहीं नहीं आप तो 16 एकड़ की बात बताओ, बाकी तो हम कर लेंगे। प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे? 16 एकड़ की प्रॉपर्टी आगे भाई, उसमें वॉकर के ही ले जाता है, हमारा माल भी साथ में जाता है ऑलरेडी। अच्छा हाँ जी, बाकी साइड को ये स्पा है, स्पा में एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, बाकी फर्स्ट फ्लोर फन जोन एक्टिविटी है, एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं। बाकी इसमें पेंट बहुत डिफरेंट है, वर्मा ब्रिज मेरा रहेगी आपकी ना। बस या और कुछ है? और भी है, काफी सारी है, और बहुत सारी चीजें हैं। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। एक्टिविटी के सारे मेंशन है आपकी इसमें ना। ओके, और एक्टिविटी वगैरह यहां पर रहती है सारी। भाई क्लब महिंद्रा का खाना बहुत ही बढ़िया, सेकंड एक्सपीरियंस रहा हमारा तो, खाने में स्वाद एक नंबर स्वाद। ये भाई प्रोग्राम चल रहा है क्लब महिंद्रा का। खैर बहुत तो लगा रहे थे, अभी आए डिनर करने और कोरोना गाइडलाइंस की वजह से अब ये लोग खुद ही सर्व करते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके टेबल पे ये लोग डाल देते हैं, आपको देंगे। और मेन्यू में अभी आज के मेन्यू में ये मेन्यू है और अभी खाने के रिव्यूज़ डालेंगे हम खाना खाने के बाद। ये भाई खाना क्लब महिंद्रा का बहुत बढ़िया, स्वाद में नंबर वन, बढ़िया शानदार खाना। अब जाके रूम पे एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करने के बाद वीडियो को अपलोड करेंगे और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। कल शुरू करेंगे क्लब महिंद्रा से कुफरी का या यहीं रुकेंगे। चलो गुड नाइट एंड शब्बा खैर।